नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आदित्य मेरे साथ है आज। तो ये वीडियो में हम एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे, जो एक स्टील इंडस्ट्री का प्रॉक्सी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। एंड स्टील एक साइक्लिकल इंडस्ट्री रहती है, जैसे कि आपको पता है कि डिपेंड्स ऑन की सप्लाई डिमांड क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो स्टील के प्राइजेस है वो मूव होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द स्टील इंडस्ट्रीज के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी फाइनल जो स्टील के प्राइजेस है उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। आफ्टर पैंडेमिक यदि आप देखोगे तो स्टील इंडस्ट्री ने काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया था, बिकॉज स्टील प्राइजेस ऊपर चले गए थे। एंड उसके बाद में देन रिसेंटली लास्ट 15-18 मंथ्स में सप्लाई एक्सेस हो गया और उसके बाद में जो स्टील प्राइजेस है वो रिड्यूस हुए हैं। एंड मोस्टली जो मेजर कंपनीज है, टाटा स्टील जैसी कंपनीज, दे ऑल्सो गॉट अफेक्टेड, उनके जो प्रॉफिट्स है दे ऑल्सो एक्चुअली गॉन डाउन। तो ये जो कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में, काफी डिटेल वीडियो होगा। ये काफी एक छोटी कंपनी है, प्रॉक्सी कंपनी हो सकती है स्टील इंडस्ट्री के रिलेटेड। तो ये वीडियो हम डिटेल में देखेंगे कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स है, उसका यूसेज स्टील इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, ये इंडस्ट्री में बेसिकली टोटल साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी कितना है, कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने उनकी जो कैपेसिटीज है वो कितना इंक्रीज किया, कंपनी के जो टोटल रेवेन्यूज है उनके वो वॉल्यूम्स एंड रियलाइजेशंस पे डिपेंड करते हैं। एंड उनके जो रियलाइजेशंस है ये कंपनी के पर्टिकुलरली वो डिपेंड करता है कि स्टील साइकिल कहाँ पर है। तो बेसिकली दोनों जो चीजें है, वॉल्यूम प्लस रियलाइजेशंस, ये भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली करंटली कंपनी कहाँ है और हिस्टोरिकली ये बेसिकली उनके जो रेवेन्यूज है वो जैसे स्टील साइकिल का अपडाउन होता है उसके अकॉर्डिंगली कैसे फ्लक्चुएट हुआ है। तो बहुत सारी चीजों के बारे में हम ये वीडियो में देखेंगे, तो जरूर ये जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए। मैंने वैल्यू एजुकेटर चैनल पे बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स सेक्टर के बारे में काफी डिटेल वीडियो क्रिएट किया है, जैसे कि मैंने एग्रोकेमिकल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल ये सेक्टर्स को इन डेप्थ कवर किया है। मे बी मैंने 50 से ज्यादा वीडियोस तो यही सेक्टर्स पे क्रिएट किया है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर हो गया, या FMCG सेक्टर हो गया, या ऑटो इंडस्ट्री सेक्टर्स हो गए। रिसेंटली मैंने इंफ्रा रिलेटेड भी काफी, जो आप देखोगे तो प्रॉक्सीज जो है उनके रिलेटेड वीडियोस क्रिएट किए थे, जैसे कि एलेकॉन इंजीनियरिंग हो गया या उषा मार्टिन हो गया। इसके अलावा इंजीनियरिंग सेक्टर्स रिलेटेड कुछ कंपनीज के मैंने वीडियोस क्रिएट किए थे, जैसे कि BW इंजीनियरिंग हो गया, या इसके अलावा किल्बन इंजीनियरिंग के रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो क्रिएट किया था। तो जरूर ऐसे जो वीडियोस है आप कंप्लीट देख सकते हो, इनको आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। एंड मेरा जो चैनल है वो मोस्टली फोकस करता है माइक्रो एंड स्मॉल साइज कंपनीज के बारे में, तो ये जो वीडियोस है डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकते हैं। एक यहाँ पर सिर्फ डिस्क्लोजर ये है कि वी डोंट रिकमेंड एनीथिंग ऑन वैल्यू एजुकेटर चैनल, हम कोई भी टिप्स या एडवाइजरी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते हैं। ये जो सारे वीडियोस है वो सिर्फ एजुकेशन के लिए ही है, हम हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है दैट वी आर शेयरिंग विथ यू। उसके बाद में आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके यू कैन टेक द कॉल कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। वी डोंट गिव एनी एडवाइस और एनी रिकमेंडेशन और एनी टिप्स बेस्ड ऑन एनी वीडियोस व्हिच वी हैव क्रिएटेड। सो आदित्य, लेट्स स्टार्ट विद द कंपनी जिसका नाम है सार्थक मेटल्स करके, एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप की एक्चुअली कंपनी है, मार्केट कैप लगभग 300 करोड़ के आसपास है। तो ये जो प्रोडक्ट्स है जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जिसका जो यूसेज है वो स्टील इंडस्ट्री में होता है, तो इससे पहले शुरू कर लेते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटीज क्या है, एंड देन आगे जाके हम उनके जो फाइनेंशियल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो कंपनी शुरू हुई थी 1995 में एंड इट इज पार्ट ऑफ द देशराज बंसल ग्रुप। दे मैन्युफैक्चर कोर्ड वायर्स एंड एल्यूमिनियम फ्लिपिंग कॉइल्स व्हिच फाइंड क्रिटिकल एप्लीकेशंस इन स्टील फाउंड्रीज एंड अदर इंडस्ट्रीज। दे सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स टू इंडियन एंड फॉरेन मार्केट्स। तो करंटली कंपनी के क्या प्रोडक्ट सेगमेंट्स है वो देख लेते हैं। तो कोर्ड वायर्स है, एल्यूमिनियम फ्लिपिंग कॉइल्स है, फ्लक्स कोर्ड वायर्स एंड बायोटेक्नोलॉजी का सेगमेंट है। तो इसमें फ्लक्स कोड वायर्स और बायोटेक्नोलॉजी आर द न्यू सेगमेंट्स फॉर द कंपनी। तो कंपनी के मेजर रेवेन्यूज अभी कोड वायर्स और एल्यूमिनियम फ्लिपिंग कॉइल से आ रहे हैं। तो आप उसका स्प्लिट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो FY22 और FY23 के लिए लगभग सिमिलर स्प्लिट रहा, ऑलमोस्ट 50-50 स्प्लिट रहा है दोनों के लिए। एक्सपोर्ट्स का आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 15-17% कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कंपनी का। एंड एक्सपोर्ट्स के लिए उन्होंने एक प्लान दिया है कि दे प्लान टू टेक इट टू 25% इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। तो मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग में कोड वायर्स की कैपेसिटी इज 10,000 टन्स, एल्यूमिनियम फ्लिपिंग कॉइल्स की कैपेसिटी इज 15,000 टन्स, एंड जो नया सेगमेंट है फ्लक्स कोड वायर्स का इट इज 1,200 टन्स। तो ये तीनों जो कैपेसिटीज है वो सारी भिलाई में। तो भिलाई गिव्स देम अ लोकेशनल एडवांटेज, जहाँ पे देर आर वेरियस स्टील प्लांट्स है, फाउंड्रीज है,
उनके बाकी सारे क्लाइंट्स है, तो वो क्लाइंट्स प्रॉक्सिमिटी गिव्स देम अ लोकेशनल एज जो बाकी प्लेयर्स के पास नहीं। आई थिंक सेल का जो प्लांट है वो भी भिलाई में ही है, सो डेफिनेटली दे गेट दैट लोकेशनल एडवांटेज जो प्रॉक्सिमिटी का है। सो क्लाइंट्स मैंने जैसा आपको बोला स्टील है, फाउंड्री बेस्ड क्लाइंट्स है, तो सम ऑफ द क्लाइंट्स आर टाटा स्टील, JSW, उषा मार्टिनेज, सेल, इसके अलावा भी क्लाइंट्स है कंपनी के। एंड इंटरेस्टिंगली यदि आप देखोगे तो ये बहुत छोटी कंपनी है, इसके जो रेवेन्यूज है वो लगभग 400 करोड़ के रेवेन्यूज है, ये ईयर में थोड़े रेवेन्यूज कम हो गए रहेंगे। स्टिल वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं दे क्लेम दैट दे आर द लीडर्स, लगभग 30% का मार्केट शेयर है, तो आई थिंक ये मार्केट ही बहुत छोटा मार्केट हो सकता है इफ यू कंसिडर 30% मार्केट शेयर विथ 300 और 400 करोड़ के टोटल रेवेन्यूज। डेफिनेटली उनके रेवेन्यू स्प्लिट हम आगे जाके देखेंगे, सो लगभग ये सिर्फ 1200 से 1300 करोड़ का टोटल मार्केट यहाँ पर हो सकता है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में। आदित्य एक बार क्विकली हम देख लेते कि ये जो प्रोडक्ट्स है इनका बेसिकली वर्किंग क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बेसिकली कैसे एप्लीकेशंस वेरी होते हैं, तो क्विकली एक प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एंड देन विल गो अहेड विद द मोर डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सार्थक मेटल्स। ओके, तो एक एक करके सारे प्रोडक्ट सेगमेंट्स देख लेते हैं, तो स्टार्टिंग विद कोर्ड वायर्स। तो कोर्ड वायर्स कैसे बनते हैं उसका एक शॉर्ट में आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ। तो एक स्टील स्ट्रिप रहती है एंड इट इज कंबाइंड विद फेरो अलॉयज, फिर ये फेरो अलॉयज के साथ कंबाइन करके इट इज कॉइल्ड वायर कॉइलर एंड फाइनली एक कोर्ड वायर बनती है जो डिस्पैच की जाती है। तो ये कोर्ड वायर जो स्टील का क्लाइंट है वो यूज करता है, तो वो क्या करता है उनके पास एक वायर फीडिंग मशीन रहती है, वो वायर फीडिंग मशीन से धीरे धीरे वो कोर्ड वायर अपने ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डालता है। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ड्यू टू द हाई टेम्परेचर जो कोर्ड वायर का आउटर कोटिंग है वो मेल्ट हो जाता है और जो अंदर अलॉय मटेरियल रहता है लाइक आयरन, टाइटेनियम, ऐसे मेटल्स यूज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अलॉयज, तो दे आर इंजेक्टेड इन टू द स्टील। तो इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन और सल्फर रहता है ब्लास्ट फर्नेस में ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एयर, तो एलॉयज ऑक्सीजन और सल्फर से रिएक्ट कर स्टील में जो ऑक्सीजन और सल्फर है उनको निकाल लेते हैं, तो सेपरेट कर देते एक तरह से। एंड स्टील में भी दे ऐड एलॉइंग प्रॉपर्टीज विच एनहांस द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील। तो एक इस तरह से कोर्ड वायर्स काम करती है। तो इन जनरल इनका एक 5 to 6 years का यूजेबल लाइफ रहता है एंड अगेन देन यू हैव टू रिप्लेस। तो ये एक तरह से कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है एंड जो फाइनल लेडल में जहां पे वो यूज होता है इट इज 1% ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट लेडल। तो अगेन एक सिमिलर अंडरस्टैंडिंग है जो हमने RHI में कवर किया था कि जो फाइनल प्रोडक्ट फाइनल यूज है उसके मुकाबले में जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट ज्यादा है नहीं एंड अगेन इट इज अ क्रिटिकल एप्लीकेशन प्रोडक्ट। आगे जाके हम थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे RHI का बिजनेस कैसा है विद रिस्पेक्ट टू सार्थक मेटल्स एंड देन आई विल ऑल्सो शेयर यू माई अंडरस्टैंडिंग ऑन द बोथ बिजनेसेस। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो कोर्ड वायर्स में ये लोग क्या क्या टाइप के कोर्ड वायर्स ऑफर करते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कैल्शियम सिलिकॉन बेस्ड है, कैल्शियम आयन बेस्ड है, फेरोटाइटेनियम बेस्ड है एंड ओवर टाइम इन्होंने ऐसी एक्सपर्टीज डेवलप की है कि कौन सा अलॉयज कौन से स्टील के लिए यूज होगा ये लोग बता सकते हैं। दैट एक्सपर्टीज दे हैव डेवलप्ड ओवर टाइम एंड ये लोग जो कोर्ड वायर्स है ये लोग अलग अलग ग्रेड्स के कोर्ड वायर्स बना सकते हैं। मतलब जो फेरोटाइटेनियम है उसमें वेरियस काइंड्स ऑफ फेरोटाइटेनियम ग्रेड्स दे कैन ऑफर, सो दैट इज एन एक्सपर्टीज विच दे हैव डेवलप्ड ओवर टाइम एंड इट इज क्वाइट कमेंडेबल फॉर अ वेरी स्मॉल कंपनी। सो अब एल्यूमिनियम फ्लिपिंग कॉइल्स देख लेते हैं क्या होते हैं। तो ये एल्यूमिनियम फ्लिपिंग कॉइल्स भी अगेन एल्यूमिनियम वायर रॉड एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है एंड इससे फाइनली वो एल्यूमिनियम फ्लिपिंग कॉइल्स बनते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्लिपिंग कॉइल्स अगेन दे आर ऑल्सो इंसर्टेड इन टू द ब्लास्ट फर्नेस बाय फीडिंग मशीन्स। यहाँ पे क्या होता है कि एल्यूमिनियम फ्लिपिंग कॉइल्स लो क्वालिटी स्टील प्लांट्स में जाते हैं, मतलब जहां पे कार्बन स्टील बनता है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो आउटर कवरिंग है वो अगेन मेल्ट होगी एंड एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट होगा विद द नाइट्रोजन इन द फर्नेस विच फॉर्म्स एल्यूमिनियम नाइट्राइड एंड ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है वो फाइनल स्टील को हार्डनिंग एंड वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज देता है। तो जो आपका लो क्वालिटी कार्बन स्टील है इट बिकम्स अ हाई क्वालिटी स्पेशलाइज स्टील विच हैज हार्डनेस एंड वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज। देन दिस स्टील इज यूज्ड इन एरिया सच एज गियर्स, क्रैमशाफ्ट्स, डाई कास्टिंग टूल्स, ऐसी जगहों पे यूज होता है। तो नाउ इफ यू टेक अ कंपैरिजन ऑफ बोथ कोर्ड वायर्स एंड एल्यूमिनियम फ्लिपिंग कॉइल्स, दोनों जाते स्टील में
दोनों का काम लगभग सही का है, ऑपरेशंस लगभग सही के, बट जो फाइनल स्टील की प्रॉपर्टीज है वो दोनों केसेस में काफी अलग है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज प्रोडक्ट्स. राइट, सो ये एक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है. आप देखोगे तो काम उसका सिमिलर है, बट जहां पर जो कोड वायर है वहां पर एल्यूमिनियम वायर नहीं जाएगा एंड वाइस वर्सा. सो एप्लीकेशन काफी अलग हो जाते हैं व्हाइल द पर्पस इज बेसिकली द सिमिलर. ओके, सो कोड वायर्स और एल्यूमिनियम फ्लिपिंग कॉइल्स इनके एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स थे. अब नए सेगमेंट्स के बारे में बात करते हैं, विच आर द फ्लक्स कोड वायर्स एंड बायोटेक्नोलॉजी. लेट्स स्टार्ट विद फ्लक्स कोड वायर्स. तो फ्लक्स कोड वायर्स में दे हैव रिसेंटली एंटर्ड एंड दे हैव सेट अप अ पायलट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ 1200 टन्स. तो ये फ्लक्स कोड वायर्स जो है वो वेल्डिंग में ज्यादा यूज होते हैं. तो बेसिकली वेल्डिंग में जितने भी टाइप्स होते हैं, आर्क वेल्डिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस. तो ये आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में एक डिवाइस यूज होता है जिसके अंदर वो फ्लक्स कोड वायर्स जाती है. तो ये फ्लक्स कोड वायर्स के अंदर अगेन इट्स अ स्टील मटेरियल जिसके अंदर वो फ्लक्स मटेरियल रहता है. तो व्हेन द वेल्डिंग इज डन ड्यू टू द हाई टेम्परेचर द आउटर कवरिंग अगेन मेल्ट्स, द फ्लक्स गेट्स इंसर्टेड इन टू द वेल्ड एंड देन दैट फ्लक्स क्रिएट्स अ शील्ड विच प्रोटेक्ट्स द वेल्ड फ्रॉम द एटमोस्फेरिक गैसेज सच एज नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जो एटमोस्फेरिक गैसेज है. सो बेसिकली अगेन ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है एंड ऑब्वियसली इसकी एक रिकरिंग डिमांड होगी जैसे जैसे वो आउटर कवरिंग खर्च होगी और वो फ्लक्स मटेरियल भी यूज अप होते जाएगा. सो ट्रायल प्रोडक्शन उन्होंने FY24 में वो लोग ट्रायल प्रोडक्शन कर रहे थे इस फैसिलिटी की एंड दे हैव कंक्लूडेड द ट्रायल प्रोडक्शन एंड दे एग्जीक्यूटेड अ कमर्शियल ऑर्डर ऑफ 500 स्पूल्स एज ऑफ November 2023. उनके सैंपल्स को अप्रूवल मिल रहे हैं एंड दे हैव रिसेंटली गॉट अ BIS सर्टिफिकेशन. तो इस सर्टिफिकेशन की मदद से दे आर अप्रोचिंग द गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल्स फ्रॉम द रेलवे सेक्टर. तो जैसे जैसे उनके सैंपल्स अप्रूव होते जाएंगे उनकी कमर्शियल सेल्स वैसी बूस्टअप होंगी. तो अभी ये फ्लक्स सेगमेंट में 1200 टन की उनकी कैपेसिटी एंड दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ यूटिलाइजिंग द एंटायर लाइन विद इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड टोटल लाइन यूटिलाइजेशन पे 4 करोड़ के रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड है. तो फ्लक्स कोड वायर में अदर देन एडोर वेल्डिंग एंड सार्थक मेटल्स इंडिया में ज्यादा कोई काम नहीं कर रहा है इस पे एंड मोस्टली जो डिमांड है वो इम्पोर्ट से मीट की जाती है विच इज फ्रॉम चाइना. तो इम्पोर्ट्स कितने हुए हैं फ्रॉम चाइना वो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो लगभग 12,000 से 20,000 टन के रेंज में इम्पोर्ट्स रहे. मोस्टली तो चाइना से इम्पोर्ट्स होते हैं. इम्पोर्ट क्वांटिटीज आप यहाँ पे देख सकते हो. तो पिछले 2-3 साल में ऑलमोस्ट 12,000 से 20,000 टन का इम्पोर्ट रहा है. तो कंपनी का प्लान यहाँ पे ये यह है कि वो लोग जो फ्लक्स कोड वायर्स बनाएंगे दे विल मैन्युफैक्चर इट एट अ कॉस्ट विच इज कम्पिटिटिव टू द चाइनीज प्लेयर्स. दे आर प्लानिंग अ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड दे ऑल्सो एक्सपेक्ट टू बेनिफिट फ्रॉम द चाइना प्लस वन थिंग. सो दिस इज द प्लान फॉर द फ्लक्स कोड वायर्स. अब आते हैं बायोटेक सेगमेंट पे. तो बायोटेक सेगमेंट में दे आर प्लानिंग टू सेटअप अ एंजाइम प्रोडक्शन फैसिलिटी जो अभी नागपुर में आएगी. तो ये जो एंजाइम्स है दे विल टारगेट एरिया सच एज इथेनॉल, 2G इथेनॉल डिस्टिलरीज, डिटर्जेंट्स, एनिमल न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन, ऐसे एरियाज को टारगेट करेंगे. ये जो एंजाइम्स का प्रोडक्शन है बायोटेक एरिया ये कंपनी के लिए थोड़ा सा नॉन कोर है एंड दे डोंट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस. इसलिए वो लोग LIT यूनिवर्सिटी और हिस्लॉप कॉलेज जो नागपुर में ही बेस्ड है उनसे कोलैबोरेट कर रहे फॉर अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. तो इनसे वो लोग ये एंजाइम्स का टेक्नोलॉजी लेके देन दे विल गो अहेड विद सेटिंग अप देयर फैसिलिटी. ऑल्सो इनके जो करंट मैनेजमेंट टीम में लोग है उनके पास भी कोई बायोटेक का एक्सपीरियंस नहीं है. तो दे आर ऑल्सो हायरिंग द रेलेवेंट मैन पावर विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस वेंचर. तो वो लोग बायोटेक में क्यों एंटर कर रहे. तो ग्लोबली ये पूरे बायोटेक की अपॉर्चुनिटीज अराउंड 75,000 करोड़ एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 6-8%. बट मोर इम्पोर्टेंटली आपको यहाँ पर यह देखना है कि ये जो डिविजन है बायोटेक्नोलॉजी का ये डेफिनेटली नया डिविजन है. मैनेजमेंट को कितना कॉम्पिटेंसी है, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. कैपिटल एलोकेशन ऑल्सो वी हैव टू गिव अ थॉट क्योंकि आई थिंक दे विल बी प्लानिंग अबाउट 100 करोड़ का कैपेक्स ओनली टूवर्ड्स द बायोटेक्नोलॉजी एज अ सेपरेट डिफरेंट वर्टिकल जो उनके कोर डोमेन में नहीं है. तो ये सब क्वेश्चन के आंसर हमें तभी मिलेंगे जब भी उनका एग्जीक्यूशन होगा, इससे कुछ रेवेन्यूज प्रॉफिटेबिलिटी आना शुरू होगा. ओके, सो बायोटेक के लिए उनका प्लान ये है कि लॉन्ग टर्म वो लोग 100 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं.
जिससे दे एक्सपेक्ट अ रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ 350 करोड़ विद अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 30%। तो उनके आप करंट ग्रॉस मार्जिन देखोगे तो ऑलमोस्ट 10-20% के ग्रॉस मार्जिन है। सो वंस दिस फैसिलिटी कम्स ऑनलाइन तो एक ग्रॉस मार्जिन का एक्सपेंशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो दिस विल बी मोस्टली काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स चेंज जो यहाँ पे हो सकता है इफ दे एग्जीक्यूट वेल। वेदर दे एग्जीक्यूट वेल और नॉट दैट नीड्स टू बी सीन, क्योंकि नॉन कोर वर्टिकल में आपके पास वो एज नहीं होता जो कोर बिजनेस में। तो नाउ लेट्स कम टू देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो फाइनेंशियली आप देख सकते हो ग्रॉस मार्जिन मैंने जैसा आपको बोला 15-20% के रेंज में रहे एंड मार्जिन भी 8-10% के रेंज में रहे, तो इट्स नॉट अ वेरी हाई मार्जिन बिजनेस। तो यहाँ पे स्टील में जो कुछ भी हुआ है वो लोग उनके मार्जिन मोस्टली मेंटेन रहे। तो दिस इज अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट विच गोज इन टू स्टील कि उसकी डिमांड रिकरिंग होती है एंड इट इज अ क्रिटिकल एप्लीकेशन प्रोडक्ट। सिमिलर अंडरस्टैंडिंग हमने RHI मैग्नेसिटा और सीमैटिक में भी शेयर की थी, तो दिस सिमिलर अंडरस्टैंडिंग यू कैन यूज हियर। बट आदित्य इंटरेस्टिंगली यदि आप देखोगे तो ग्रॉस मार्जिन तो कम है, प्रॉब्ली 15-20% के है, बट उनका ROCE ड्यूरिंग अ बैड साइकिल ऑल्सो रिमेन क्वाइट गुड। लगभग 17-18% का ROCE उन्होंने मेंटेन किया है एंड वेन द साइकिल टर्न आफ्टर पैंडेमिक तो उनका ROCE लगभग 35-40% का हो गया है। तो यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्जिन इज नॉट डेफिनेटली एवरीथिंग। आपको ROE या ROCE, मोर इम्पोर्टेंटली ROCE देखना है, यानी आप जो कैपिटल डिप्लॉय करते हो बिजनेस में उसके अगेंस्ट टोटल आपको क्या रिटर्न मिलता है। यहाँ पर यदि आप उनकी इन्वेंटरी डेज देखोगे तो इट इज हार्डली 15-16 days। तो इसका मतलब दे आर एबल टू चर्न देयर इन्वेंटरी वेरी वेरी फास्ट और इसी वजह से उनका ROCE आ रहा है। उनके बिजनेस में ज्यादा मार्जिन नहीं है बट रोटेशन बहुत ज्यादा है, इसी वजह से ROCE इज डिसेंट। सो आई थिंक इट इज नॉट अ वेरी बैड बिजनेस बिकॉज ROCE इज स्टिल क्वाइट गुड डिस्पाइट हैविंग द ओनली 20% प्रॉब्ली ग्रॉस मार्जिन एंड लगभग 10% के आसपास उनका एबिटा मार्जिन यहाँ पर है। ओके, सो कोल्ड वायर्स और एल्यूमिनियम फ्लिपिंग कॉइल्स के रियलाइजेशंस देख लेते हैं हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो दोनों प्रोडक्ट्स है इनके जो रियलाइजेशन है दे हैव फ्लक्चुएटेड विद द प्राइसेस ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम। तो रिसेंटली एल्यूमिनियम प्राइसेस काफी गिरी है, इसी वजह से एल्यूमिनियम फ्लिपिंग कॉइल्स का रियलाइजेशन भी आप देख सकते हो थोड़ा डिक्लाइन ही हुआ है टिल Q3 FY24। स्टील प्राइसेस आप देख सकते हो Q1 FY23 तक इट वॉज ऑन द पीक एंड देन थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू हुआ है, इस वजह से रियलाइजेशन भी डिक्लाइन होना शुरू है। लगभग 4.2 lakhs के आसपास रियलाइजेशन चले गए थे पर मेट्रिक टन या पर टन के आसपास एंड देन अभी आप देखो तो 2.5 lakh के आसपास है, तो दैट एक्चुअली ऑल्सो इम्पैक्टेड देयर रेवेन्यूज। ओके, सो इससे आप ये अंदाजा ले सकते हो कि ये दोनों प्रोडक्ट्स में कंपनी के पास ज्यादा प्राइसिंग पावर नहीं है, मतलब दे हैव अ लैक ऑफ प्राइसिंग पावर इन दीज टू प्रोडक्ट्स। सो सपोज कोई टाटा स्टील जैसी कंपनी या कोई भी कमोडिटी कंपनी है जो स्टील सेक्टर में है वो 4-5-6 PE पे अवेलेबल है, तो हमें लगता है कि अरे ये बहुत सस्ता स्टॉक है या इट इज एक्सट्रीमली चीप स्टॉक एंड देन वी इन्वेस्ट इन टू इट, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू इन्वेस्ट इन टू सिक्लिकल कंपनीज। दो अलग अलग टाइप के बिजनेसेस है, एक सिक्लिकल बिजनेस है एक सेक्युलर बिजनेसेस है। तो सिक्लिकल बिजनेसेस में सिर्फ आप पी देख को इन्वेस्ट करोगे देन यू माइट एंड अप इन्वेस्टिंग एट द पीक ऑफ द साइकिल, क्योंकि जब भी जो डाउन साइकिल शुरू होगा देन अर्निंग्स विल स्टार्ट रिड्यूसिंग एंड जब भी अर्निंग रिड्यूस हो गए वैसे पी आप देखो तो बढ़ता जाएगा, जितनी कम अर्निंग उतना ज्यादा पी, या एक समय में क्या हो जाएगा कि वो पी दिखेगा ही नहीं आपको बिकॉज अर्निंग्स विल गो इन टू द लॉस। या सो यू हैव टू थिंक इन दिस वे जब आप इन्वेस्टिंग करोगे सिक्लिकल्स में। सेक्युलर में तो आप देखो तो पी इज अ प्रोबेबली राइट मैट्रिक्स, मैं पी यूज नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा बेटर मैट्रिक्स यूज करता हूँ जो पी का नॉइज निकालता है, दैट इज PEG प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ। यानी सपोज मुझे 30% ग्रो करने वाली कंपनी 30 PE पे मिलती है, दैट इज पी, दैट मीन्स PEG इज 1। सपोज मुझे लेस देन 1 मिलती है, 0.5 times मिलती है, देन आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड दैट कंपनी उनके जो प्रॉफिट्स है वो एक्चुअली 30% से ज्यादा ग्रो कर रही है एंड मुझे वो 15 PE पे मिलती है, यानी PEG 0.5 times में मिलती है। तो माई इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी इज बेस्ड ऑन दैट ओनली कि मुझे 0.5-0.75 के आसपास PEG मिलना चाहिए। यही क्राइटेरिया को रख के मैंने काफी अलग अलग मल्टीबैगर्स भी ढूंढे हैं, वी हैव शेयर दैट इन आवर माइक्रो कैप क्लब ऑल्सो, एंड हम अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं कंपनीज को जहां पर बहुत ज्यादा नॉइज नहीं है मार्केट में, बहुत कम एनालिस्ट या इन्वेस्टर्स उनको ट्रैक कर रहे हैं,
तभी आपको पीजी का बेनिफिट मिलता है या वैल्यूएशन का बेनिफिट मिलता है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको पीई एक्सपांशन का बेनिफिट मिलता है। यानी सपोज आप 10, 15 या 17 पी पे कुछ आइडेंटिफाई करते हो और एक्चुअल में वहां पर 30-40% की ग्रोथ आती है उनके बेसिकली प्रॉफिट्स में, तो वही पी रीरेट हो जाता है। यानी 15 पी 30-35-50 मैंने देखा है कि 100-120 पी तक भी चला जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि टाटा एलेक्सी का एग्जाम्पल है या IEX का एग्जाम्पल है या CDSL का एग्जाम्पल है, एक्शन कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है, जहां पर पी केप्ट ऑन रीरेटिंग एंड दैट एक्चुअली गिव्स यू अ मैसिव वेल्थ। तो दैट इज बेसिकली माय फिलॉसफी या ये तरीके से मैं इन्वेस्ट करता हूं, जहां पर पी एक्सपांशन प्लस अर्निंग ग्रोथ आनी चाहिए। एंड यही हम माइक्रो कैप क्लब में भी आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें माइक्रो कैप क्लब में वी आर प्रोवाइडिंग। रिसेंटली वी स्टार्टेड विद द क्लब मेंबर्स, जो सीनियर मेंबर्स है उनके भी प्रेजेंटेशन वी आर स्टार्टेड, जहां पर वो अलग अलग स्टॉक्स के बारे में उनका जो अंडरस्टैंडिंग है दैट दे आर शेयरिंग। अगेन दिस इज नॉट द रिकमेंडेशन या एडवाइजरी सर्विस, हम हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है ऑन डिफरेंट स्टॉक्स या माइक्रो कैप्स वो शेयर करते हैं, क्योंकि माइक्रो कैप्स में कैसे है कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सार्थक मेटल्स में भी यदि आप देखोगे तो इन्फॉर्मेशन इज हार्डली अवेलेबल बिकॉज कुछ 4-5 ही कॉन कॉल्स है, बहुत ज्यादा डेटा एनुअल रिपोर्ट्स में भी नहीं मिलता है। सो वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्कटल, बट हम ऑन ग्राउंड जाते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उनके मैनेजमेंट से या एम्प्लॉयज से या उनके कॉम्पिटिटर से समझते हैं कि ये एक्चुअली इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है या एक्चुअल में प्रोडक्ट में क्या बेसिकली स्ट्रेंथ है या इंटरनेशनली यहाँ पर क्या कॉम्पिटिशन है। बिकॉज ये जो सारा डेटा है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट फ्रॉम द बैलेंस शीट या इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट फ्रॉम द कॉन्कॉल्स या एनुअल रिपोर्ट्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉन्कॉल्स या जो प्रेजेंटेशन है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दे आर नॉट अवेलेबल। तो आपको स्कटल बट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वही हम माइक्रो कैप क्लब में भी यहाँ पर करते हैं, सो दैट वी गेट मोर एंड मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एंड हमारा इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन है इट हैज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि वो एक अच्छा हमें रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे सके। इसके अलावा वी हैव स्टार्टेड द फंडामेंटल एनालिसिस मॉड्यूल ऑल्सो, जहां पर मैंने कुछ मेंटल मॉडल्स कवर किए हैं, हाउ टू रीड द बैलेंस शीट, हाउ टू रीड द QIP डॉक्यूमेंट्स, हाउ टू रीड इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स, DRHPs कैसे पढ़ने चाहिए, बहुत सारा कंटेंट आई हैव शेयर्ड विद ऑल द क्लब मेंबर्स, बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट्स आर अवेलेबल, मोर देन 25 मैनेजमेंट मीट्स के वीडियोज यहाँ पर अवेलेबल है, सो दैट यू कैन टेक योर इंडिपेंडेंट डिसीजन एंड यू कैन हैंडल योर ओन पोर्टफोलियो इंडिपेंडेंटली। दैट इज द एम ऑफ द माइक्रो कैप क्लब। सो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वेबसाइट पे सारे डिटेल्स अवेलेबल है। आपको कुछ क्वेरीज रहेगी तो डायरेक्टली आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा जो ईमेल आईडी है और कॉन्टैक्ट नंबर है दैट इज गिवन ऑन द वेबसाइट, सो डायरेक्टली यू कैन रीच आउट टू मी। डेफिनेटली यदि आप एक अच्छा रिसर्च प्लेटफॉर्म देख रहे हो सो यू कैन कंसिडर द माइक्रो कैप क्लब, बट यदि आप कोई एडवाइजरी या टिप्स या एक रिकमेंडेशन सर्विस देख रहे हो सो माइक्रो कैप क्लब मे नॉट बी द राइट चॉइस फॉर यू। सो कमिंग बैक टू द सार्थक मेटल्स, लेट्स अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट ने यहाँ पर फ्यूचर का क्या गाइडेंस दिया है एंड देन वॉट वी एक्चुअली थिंक अबाउट दिस बिजनेस क्विकली हम वो भी एक बार देख लेंगे। ओके, सो मैनेजमेंट का प्लान यहाँ पे है कि टू एक्सपैंड द ग्लोबल प्रेजेंस बाय एंटरिंग इनटू न्यू रीजन्स एंड एक्सपैंडिंग द कस्टमर बेस। फिर एक्सपोर्ट का मैंने आपको बता दिया था, रिएट्रेट कर देता हूँ, दे प्लान टू गेट 25% कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। फिर दे हैव गिवन अ गाइडेंस ऑफ EBITDA मार्जिन बींग सस्टेनेबल एट 10% प्लस गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे फ्लक्स कोड वायर्स में दे आर एक्सपेक्टिंग EBITDA मार्जिन ऑफ 10% और जो बायोटेक बिजनेस है उसमें ग्रॉस मार्जिन 30% है एंड उस हिसाब से फिर आप EBITDA का भी एक आइडिया ले सकते हो। तो दैट्स वाई दे हैव गिवन दिस गाइडेंस कि 10% प्लस EBITDA मार्जिन सस्टेनेबल हो सकते हैं अज्यूमिंग द एग्जीक्यूट वेल। एंड फाइनल इज जो टॉप लाइन का गाइडेंस है FY24 में दे आर एक्सपेक्टिंग 330 crore एंड FY25 में दे एक्सपेक्टेड 10% ग्रोथ ओवर FY24 एक्सक्लूडिंग द बायोटेक सेगमेंट। तो इनिशियली उन्होंने FY24 के लिए उनका FY23 का गाइडेंस दिया था, मतलब 400 crore का गाइडेंस दिया था, बट सिंस एल्यूमिनियम की प्राइसेस इतनी नीचे आई है तो दैट्स व्हाई दे हैव रिवाइज्ड दिस गाइडेंस। एंड फाइनली अब रिस्क देख लेते हैं कंपनी के, तो फर्स्ट इज द फ्लक्चुएशन इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, तो इसकी वजह से उनके प्रोडक्ट के रियलाइजेशन इम्पैक्ट हो सकते हैं। सेकेंड इज द अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, बायोटेक में वो लोग एंटर किए विच इज अ कम्प्लीटली अनरिलेटेड वर्टिकल फॉर द कंपनी, तो अगर वो लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो इट विल इम्पैक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी। थर्ड इज द गवर्नमेंट रेगुलेशन, तो राइट नाउ गवर्नमेंट इज वेरी मच पुशिंग द स्टील इंडस्ट्री, उन्होंने स्टील इंडस्ट्री के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज की है जो चाइना से आती है, जो इंडियन जो डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री को फेवर करती है। फिर कोर्ड वायर्स में भी दे हैव इम्पोज्ड एंटी ड्यूटी ऑफ 15% जो चाइना से आएगी, क्योंकि चाइना के पास
रॉ मटेरियल एडवांटेज है कोड वायर्स का, तो लोग कोड वायर्स डंप कर सकते हैं इंडिया में सिंस दे हैव आल्सो हैव लार्जर कैपेसिटीज। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी आने की वजह से वो लोग वो ये नहीं कर पाएंगे। सो अब भी ये गवर्नमेंट रेगुलेशन है, सो कोई भी ऐसी गवर्नमेंट रेगुलेशन पॉजिटिव या नेगेटिव विल इंपैक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी। सो ये कंपनी को मैं जनरली एज अ प्रॉक्सी प्ले देखूंगा स्टील इंडस्ट्री का। सो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू टाटा स्टील या JSW या डिफरेंट स्टील मैन्युफैक्चरर्स, आई विल इन्वेस्ट इनटू दिस कंपनी। आई विल प्रीफर द सार्थक मेटल्स एंड उससे भी बेटर आई थिंक RHI मैग्नेसिटा है। दैट इज माई ओन पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन और एडवाइस कि आपको ये खरीदना चाहिए और ये खरीदना नहीं चाहिए। आई एम जस्ट टॉकिंग कि मेरा सार्थक मेटल्स का क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर डेफिनेटली वो डायरेक्टली स्टील इंडस्ट्री से बेटर है। यहाँ पर उनकी बैलेंस शीट भी मुझे लगता है कि दे हैव मेंटेन्ड देयर बैलेंस शीट क्वाइट वेल। कुछ ज्यादा डेट नहीं है कंपनी में एंड उनका ROC हमेशा बेटर ही रहा है ड्यूरिंग वेरी बैड साइकिल ऑल्सो। प्रोटेक्टिंग अ 15% ROC इन अ कमोडिटी बिजनेस डेफिनेटली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड अप साइकिल में तो उनका ROC आप देखोगे तो 35-40% के आसपास है। तो मोर इम्पोर्टेंटली आपको ये कंपनी तभी देखनी चाहिए कि जब भी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बॉटम पे है, स्टील इंडस्ट्री जब स्टील प्राइजेस काफी करेक्ट हुआ है, जो बड़े प्लेयर्स है टाटा स्टील या प्रॉब्ली ऐसे जो प्लेयर्स है वो लॉस बना रहे हैं या दे आर सफरिंग थ्रू मैसिव पेन, तभी आप ये छोटे जो कंपनीज है उनकी बैलेंस शीट अच्छी है, दे आर प्रॉक्सी प्लेस फॉर द स्टील इंडस्ट्री, दैट टाइम दे माइट मेक अ वेरी गुड सेंस। तो ये सिक्लिकल प्ले है, आपको प्रॉपरली टाइम करना इज इम्पॉर्टेंट। ये सेक्युलर नेस्ले या HUL जैसी कंपनीज नहीं है। सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ ड्यू डिलीजेंस की टोटल कैपेसिटी कितना है या सप्लाई कितना है, डिमांड कितना है एंड रियलाइजेशन कैसे हो सकते हैं आगे जाके। बट मोर इंटरेस्टिंगली ये जो प्लेयर है ये पर्टिकुलर सेगमेंट का, यहाँ पर वो लीडर है मार्केट के और लगभग 25-30% का मार्केट शेयर है। दैट इज इंटरेस्टिंग। सो डेफिनेटली आई विल लुक इन टू दिस कंपनी। जब भी जो स्टील साइकिल है वो एक्सट्रीमली बैड परफॉर्मिंग होगा, दैट टाइम इट विल मेक मी मोर सेंस टू टेक अ इन्वेस्टमेंट कॉल। तो ऐसे ही अलग अलग कंपनीज के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि अर्ली स्टेज में हम आइडेंटिफाई करते हैं माइक्रो कैप क्लब में एंड कंप्लीट एक डिटेल रिपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। बहुत सारे वीडियोज है, मैनेजमेंट इंटरव्यूज है, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। और ऐसे जो वीडियोज है मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो एक माइक्रो कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप की कंपनीज होती है, ज्यादा आइडेंटिफाइड कंपनीज नहीं है, हम काफी डिटेल में यहाँ पर ये जो वीडियोज है वो आपके साथ शेयर करते हैं। लगभग 30-40 minutes का ईच वीडियो है और ऐसे मैंने लगभग 200-300 अलग अलग कंपनीज के बारे में यहाँ पर जो वीडियोज है आपके साथ शेयर किया है। तो डेफिनेटली आप ये जो वीडियोज है जरूर देखिए, कंप्लीट देखिए। आपके सारे फ्रेंड्स या फैमिली या जो भी रिसर्च में इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प मी टू रीच द एक्चुअल पोटेंशियल इन्वेस्टर या जो एनालिस्ट है। सो जरूर ये जो वीडियोज है वो देखते रहिए। वैल्यू टिकटर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक भी कर लीजिए। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेके या डिटेल एक वीडियो लेके एक माइक्रो या स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज के रिलेटेड।